सेकंड थिंग, डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिला है, लेकिन उसको आप फुल एचडी प्लस पे ही यूज कर पाओगे। WQHD प्लस से आप अगर FHD प्लस पे जाते हो तो आपको मेजर डिफरेंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेल गाइस, गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा इज अ विदाउट अ डाउट बेस्ट स्मार्टफोन है, बट इज इट रियली वर्थ टू अपग्रेड ओवर लास्ट ईयर्स नोट 10 प्लस? लेट्स फाइंड आउट। वेल, ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस एंड आई एम यूजिंग दिस सिंस नवंबर 2019। इनफैक्ट अपने चैनल पे नवंबर के बाद जितने भी वीडियोस अपलोड हुए सारे इसी से शूट हुए हैं। सैमसंग की नोट सीरीज आपको एक प्रीमियम फील देते हैं और देना भी चाहिए। जब आप इतने सारे पैसे स्पेंड करते हो तो आपको एक प्रीमियम फील होना भी चाहिए आपके स्मार्टफोन के साथ। बट अगर आप यूज कर रहे हो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, सो अकॉर्डिंग टू मी आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए। वेल, let's find out the reason. वेल, डिजाइन के मामले में सैमसंग हर बार कुछ ना कुछ नया करता है अपने फ्लैगशिप फोन्स के साथ। लास्ट ईयर सैमसंग लेके आया था एक नया कलर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस सीरीज के अंदर, नोट 10 की सीरीज के अंदर ओरा ग्लो कलर लेके आया था। एंड इस साल सैमसंग नोट 20 सीरीज में लेके आया है मिस्टिक ब्रोंज कलर, जो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रीमियम एंड रिच लुक देता है फोन को। एंड ऑब्वियसली डिजाइन एंड बिल्ड आपको बहुत ही पावरफुल मिलती है सैमसंग के नोट सीरीज में। एंड फोन के ऊपर मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन, जो कि अब तक का बहुत ही पावरफुल ग्लास है एंड जो कि लेटेस्ट वर्जन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का। इसको आप कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 भी बोल सकते हो। नोट 20 अल्ट्रा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। कैमरा के लिए अलग से हाउसिंग पैनल दिया है जहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। पोर्ट्स की बात करें तो यहां पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। एस पेन की पोजीशन इस बार चेंज कर दी है, लेफ्ट टू राइट कर दिया है। सो ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर हम वेट की बात करें और थिकनेस की बात करें तो वेट यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, 208 ग्राम का। एंड यहां पर आपको mm की थिकनेस देखने को मिलती है। साथ में यहां पर आपको IP68 रेटिंग मिल जाती है, सो नो डाउट आप स्विमिंग पूल के अंदर जाके भी फोटोज क्लिक कर पाओगे। सेम आपको नोट 10 प्लस के अंदर भी IP68 रेटिंग मिल जाती है। डिजाइन में नोट 10 प्लस भी काफी सही है, स्लिम है, बहुत हैंडी है। इसके वेट की अगर बात करें तो इसका वेट है 196 ग्राम एंड ये आपको 7.9 mm के थिकनेस में मिलता है। ग्लास का बैक मिलता है यहां पर भी और यहां पर आपको ग्लोसी बैक देखने को मिलता है। यहां पर इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर इसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की। एस पेन यहां पर आपको राइट साइड में दिया है, जो काफी हैंडी है मेरे ख्याल से। एस पेन की बात की जाए तो एस पेन की लेटेंसी जो है वो नोट 20 अल्ट्रा में बहुत ही कम कर दी है। इस बार 42 मिली सेकेंड की जगह पर यहाँ पर 9 मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिलती है। बट आई थिंक ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एस पेन बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। एस पेन की हेल्प से आप बहुत सारे जेस्चर्स यूज कर सकते हो और बहुत मजे आते हैं एस पेन को यूज करने में, चाहे फोटो क्लिक करना हो या फिर स्लाइड चेंज करना हो या फिर फोटो एडिटिंग करना हो या फिर नोट्स लिखना हो, स्क्रिप्ट लिखना हो, जो भी हो। लेटेंसी मुझे इसके अंदर भी इतनी ज्यादा नहीं लगी। आपको बहुत ही प्रीमियम फील होता है, बहुत सही फीलिंग आती है एस पेन से लिखने की। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के एस पेन से मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि लेटेंसी जो है वो मैं अगर आपको बताऊं तो इतना डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। यहां पर भी आपको लिखने में इतना ही मजा आएगा जितना नोट 20 अल्ट्रा में। वेल, फ्रॉम द फ्रंट साइड बोथ फोन्स आर आइडेंटिकल, दोनों बहुत ही सेम है देखने में। अगर आप फ्रंट साइड से देखते हो नोट 20 अल्ट्रा के डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज जो है वो मिलती है 6.9 इंच के। ये एक WQHD प्लस डायनेमिक एमोलेड पैनल है जो आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बट अगर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज करना है तो स्क्रीन रिजोल्यूशन आपको फुल HD प्लस सिलेक्ट करना होगा। QHD प्लस में आपको हायर रिफ्रेश रेट प्रोवाइड नहीं करता है, तो एक
मेरे ख्याल से। और अगर हम बात करें नोट 10 प्लस के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.8 इंच का WQHD प्लस डायनेमिक एमोलेड पैनल मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, सिर्फ 60Hz प्रोवाइड करता है नोट 10 प्लस। दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है, सो नो डाउट डिस्प्ले आपको टॉप नॉच मिलता है नोट 10 प्लस के अंदर भी। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें या फिर गेमिंग की बात करें, मूवीज़ वगैरह की बात करें या फिर नॉर्मल नेट सर्फिंग की बात कर लो, हर तरह से नोट 10 प्लस का डिस्प्ले मुझे बेस्ट लगता है। एंड पर्सनली मुझे 60Hz के डिस्प्ले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये डिस्प्ले आता है क्वाड HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ। दोनों में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, विच इज अगेन वेरी फास्ट। प्रोसेसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ पर आपको नोट 20 अल्ट्रा के अंदर एक्सिनस 990 का प्रोसेसर दिया है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है ये प्रोसेसर। इसके साथ आपको GPU जो है वो मिलता है माली G77 GPU, LPDDR5 वाली रैम मिलती है एंड UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है। सो नो डाउट परफॉर्मेंस आपको एकदम लेटेस्ट मिलेंगी इसी 5G प्रोसेसर के साथ। और नोट 10 प्लस के अंदर भी आपको Exynos का ही प्रोसेसर मिलता है, Exynos 9825, which is also 7 nanometer प्रोसेसर, LPDDR4X की रैम मिलती है, UFS 3.0 का सपोर्ट मिलता है। एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो कमाल के परफॉर्मेंस मिली है मुझे पर्सनली इस प्रोसेसर से। हाई एंड गेम्स की बात कर लो या फिर मल्टीटास्किंग की, इस फोन से मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। एंड बीइंग अ यूट्यूबर बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम मेरे जो है वो ऑलमोस्ट इस फोन के ऊपर हो जाते हैं। सैमसंग डेक्स को इस बार वायरलेस कर दिया है, आई मीन आप बिना कोई केबल को यूज़ किए सैमसंग डेक्स को आपके फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे कनेक्ट करके इस फ़ोन के साथ यूज़ कर पाओगे आराम से। लेकिन आप नोट 10 प्लस के अंदर भी सैमसंग डेक्स जो है वो आराम से यूज़ कर पाओगे। इस फ़ोन के साथ जो केबल मिलता है Type-C to Type-C केबल, उस केबल को लगाने के बाद आप आराम से इस फ़ोन को जो है वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ यूज़ कर पाओ। नोट 20 अल्ट्रा के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 108 मेगापिक्सल का, विच ऑफर्स 8K वीडियो शूटिंग एंड 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिलता है, जो 5x ऑप्टिकल जूम एंड 50x ऑप्टिकल जूम तक आप जा पाओगे इस फोन के कैमरा से। और आपको 50x जूम पे इतना क्लियर इमेज नहीं मिलेंगे, बट स्टिल 50x जूम का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है। एंड साथ में 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल भी दिया है। ऑफकोर्स नोट 20 अल्ट्रा का कैमरा आपको बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता होगा ऑन पेपर, लेकिन नोट 10 प्लस का कैमरा भी इतना बुरा नहीं है। आप स्क्रीन के ऊपर सैंपल्स देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है नोट 10 प्लस। बहुत सही सही इससे आप इमेजेस क्लिक कर पाओगे, वीडियोज़ वगैरह ले पाओगे। यहाँ पर आपको सिंगल टेक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो बहुत ही बेस्ट है मेरे ख्याल से। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ सैंपल्स दिखा रही हूँ सिंगल टेक से खींचे हुए भी, और साथ में पोर्ट्रेट वगैरह सारे आप सैंपल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। नोट 10 प्लस के कैमरास की बात करें, सो यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एक टेलीफोटो लेंस भी दिया है, 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, डेप्थ विजन भी यहाँ पर दिया है। ऑन पेपर नोट 10 प्लस के कैमरा के बारे में आपको मेगापिक्सल्स कम लग रहे होंगे, इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता होगा, बट इन रियल लाइफ बिलीव मी नोट 10 प्लस के अंदर आपको फ्लैगशिप कैमरा का एक्सपीरियंस मिलता है। सेल्फी की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और फ्रंट में भी आपको वीडियो में बुके इफेक्ट मिलता है, विच इज अ गुड थिंग। वेल, बैटरी डिपार्टमेंट में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। नोट 10 प्लस आता है 4300 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ। फोन सपोर्ट करता है अप टू 45 वॉट चार्जिंग, बट इन द बॉक्स आपको मिलता है 25 वॉट का चार्जर, जो फोन को 80 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देता है। एंड नोट 20 अल्ट्रा में 4500 mAh कैपेसिटी की बैटरी मिलती है, इसके साथ भी आपको सेम 25 वॉट का चार्जर ही प्रोवाइड किया है। बोथ फोन सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग एंड reverse charging and both the phones offer all day battery life.
वेल पर्सनली आई डोंट थिंक ये वर्थ रहेगा अपग्रेड करना नोट 10 प्लस को नोट 20 अल्ट्रा से, बिकॉज जो भी डिफरेंसेस है वो मेरे ख्याल से इतने मेजर डिफरेंसेस नहीं है. वेल डिजाइन की अगर बात करें, यहाँ पर डिजाइन से स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली डिजाइन आपको नया देखने को मिलता है. फोन बहुत ही अट्रैक्टिव है बट आई थिंक नोट 10 प्लस इज मोर हैंडी. सेकेंड थिंग, डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिला है लेकिन उसको आप फुल HD प्लस पे ही यूज कर पाओगे. WQHD प्लस से आप अगर FHD प्लस पे जाते हो तो आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है तुरंत ही आप जब स्विच करते हो. तो मेरे ख्याल से WQHD प्लस को छोड़ के फुल HD प्लस पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज करना इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि क्लियरली डिफरेंस आपको जो है वो पता चल जाता है जब आप स्विच करते हो. तो मेरे ख्याल से आई एम सुपर हैप्पी विथ WQHD प्लस विथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट. परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली आपको 5G प्रोसेसर मिलता है नोट 20 अल्ट्रा के अंदर, बट बिलीव मी मैं ये फ़ोन करीब एक साल के आसपास हो गया यूज़ कर रही हूँ. आई मीन 9 मंथ से इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमरी डिवाइस और अभी तक मुझे कोई भी कमी महसूस नहीं हुई इस फ़ोन के प्रोसेसर से. वैसे भी इंडिया में 5G नेटवर्क कब आएगा ये नहीं पता, तो मेरे ख्याल से अभी 4G यूज़ करना ही बेटर रहे. कैमरास की बात कर ले तो आपको ऑन पेपर बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है नोट 20 अल्ट्रा का कैमरा, बट बिलीव मी गाइस नोट 10 प्लस का कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल ऐसे लग रहा होगा, लेकिन इससे आपको जो इमेज क्वालिटी है, जो आउटपुट है इमेज का या फिर वीडियो का, वो बहुत ही एक ऑब्वियसली ये भी फ्लैगशिप फ़ोन है तो बहुत ही सही आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलता है इस फ़ोन के कैमरा से. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो सो यू वॉन्ट मिस आउट एनी अपडेट. मिलते हो अगले किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे होम.